ये कह देते हैं अंग्रेजों के नियम चल रहे हैं। अरे अंग्रेजों पे तो हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाके बन गया, नियम कहाँ के रह गए? केवल प्लेटफार्म और रोडों के नाम बदलने के लिए सरकार बहुमत में, तो वो मोदी जी की उसमें गोदी मीडिया में घुस गए या फिर राज्यपाल बनने की उम्मीद में घुस गए। दोस्तों अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ पर पूर्व सैनिक लोग 108 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह इसलिए कर रहे हैं कि इनकी मांग है कि पूर्व सैनिक है और वन रैंक वन पेंशन के जरिए MSP की मांग कर रहे हैं 108 दिनों से, लेकिन इन्हें नहीं मिल रहा है। हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, पूर्व सैनिक विकास समिति जिला गौतम बुद्ध नगर से ये लोग आए हुए हैं। इन आप बताइए कि अभी तक सरकार ने क्या किया है और 108 दिनों से आप लगातार इसके लिए डटे हुए हैं। मैं पूर्व सैनिक विकास समिति का अध्यक्ष हूं जी, गौतम बुद्ध नगर, और हमारी समिति आज जंतर मंतर पे आई है। ये चौथी बार है, चौथा है। 108 दिन से हमारा धरना चल रहा है और इसकी आप पूछेंगे प्रगति क्या हुई है। प्रगति 0/0 है। माध्यम आपको बता दें, सबसे पहले कॉल दी हमने DM के थ्रू, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए, वो भी दे दिए। फिर सेकंड कॉल हमने दी अपने सांसदों को, देश भर में जितने भी सांसद हैं उनको भी ज्ञापन दिए। उसके बाद थर्ड कॉल दी जितने भी देश में SDM हैं उनके थ्रू हम ज्ञापन, अपनी मांगें भिजवाएँ। अब वो कछुआ की चाल चल रही है ज्ञापन या उस ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी जितने भी मांगे बहुत लंबी हैं, आपको बताएंगे 1-1.5 घंटा लगेगा जी। अभी शॉर्ट ही बता दीजिए जी। जैसे MSP मिलिट्री सर्विस पे जवान बॉर्डर पर रहता है, एक MNS MH में रहती है, AC में जवान की 5.5 उसकी 10.5, कितना अंतर हो गया। MSP का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे जो डेंजर एरिया में सर्विस कर रहा है जी, उसको देनी है। अफसर की 15,500, जवान की 5.5, ये अंतर हो गया। दूसरा दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री ने नाम दिया था, डिसेबिलिटी पेंशन, जवान की 5.5, अफसर की 1.25 लाख रुपये, ये अंतर हो गया। अंग भंग होता है वो जवान का भी है और अफसर का भी है, ये है। वीर नारियों का, उसमें भी बहुत अंतर आ रहा है, जमीन आसमान का अंतर है, वो भी हमारी मांगे हैं। मांगे बहुत हैं जो कि आपको हम गिना नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पे भी टाइम नहीं है। हम लगातार 108 दिनों से आप डटे हुए हैं और पूरे देश में जगह जगह इस तरीके का प्रदर्शन चल ही रहा है। बिल्कुल, आपको अभी सरकार इस पे कहीं ना कहीं आप लोगों को नकारती हुई अभी आपको बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट जी, हर तहसील, हर सांसद को दिया है। क्या वो आवाज़ रक्षा मंत्री तक नहीं पहुंची है या वित्त मंत्री तक नहीं पहुंची है? वो क्या वजह है कि आपकी मांग को पूरी नहीं की जा रही है? आपको क्या लग रहा है? जो हमारी महान वित्त मंत्री हैं या रक्षा मंत्री हैं वो जाने उनके दिल में क्या बैठा है हमारे प्रति, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। आप लोगों की कितनी संख्या है पूर्व सैनिकों की जो मांग कर रहे हैं पूरे देश में? पूर्व सैनिकों की तो करीब कितने हैं जी? 60 लाख के आसपास? नहीं, ज़्यादा हैं, 68 लाख है। हाँ, 68,000 है। सभी अपने अपने ज़िले में बैठे हुए हैं, कार्यरत हैं। डिसिप्लिन हमें सिखाया गया है, डिसिप्लिन को हम तोड़ नहीं रहे हैं। यदि हम डिसिप्लिन तोड़ते तो आज हमारी मांग है पूरी नहीं। मैं खुद देख रहा हूँ आप लोगों को कि जंतर मंतर पर लगातार 108 दिनों से आप लोग डटे हुए हैं और महिला पहलवान से भी पहले से आप लोग डटे हुए हैं। बिल्कुल, है ना, और इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि अभी हमने लास्ट एंड फाइनल करना है, अभी हमने सभी पूरे संगठनों को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद में सीधा संसद भवन को घेराव करेंगे और वहां अपनी मांगें पूरी करेंगे। जंतर मंतर पर हम 108 दिन बैठ लिए, अब इसे ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। लास्ट तोड़फोड़ की लड़ाई आप लोग करेंगे? हाँ जी, पूर्व सैनिक ओके। मजबूर किया जा रहा है। जब मरता नहीं क्या करता, कोई सुन ही नहीं रहा। 24वां मन की बात भी करेंगे। मन की बात है वो तो मोदी जी का। हाँ, वो मन की बात हम तो भी करेंगे। वो तो मोदी जी की आदत है। हाँ, 24वें मन की बात फिर हम भी करेंगे। मोदी जी से सिखाया हमने इलेक्शन में। हाँ जी, नहीं इलेक्शन नहीं। हाँ, जो हमारे महान प्रधानमंत्री हैं जी,
महीने के हर इतवार को मन की बात करते हैं, तो उनसे हमने सीखा है हम भी मन की बात करेंगे। जब हमारी कोई मन की बात में नहीं सुनना तो हम भी अपनी मन की बात करें। तो आप राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं राहुल गांधी भी ऐसी कहते हैं। नहीं, उस आदमी का नाम मत लो हमारे सामने। नहीं, उसकी देन है ये। अच्छा, कांग्रेस ने बोला था वन रैंक वन पेंशन देंगे, क्यों दबा के बैठे जब? तो मोदी जी ने भी तो कहा था इन्होंने। तो उन्होंने दिया है, हम नकार नहीं रहे, लेकिन आप लोग मोदी जी ने दिया है, पर दिया जो अफसर ग्रेड के लोग है उनको दिया। हाँ, हवलदार टाइप की जो ये जो अंतर जो हुआ है ना जी, उसकी लड़ रहे हैं, मोदी जी के विरुद्ध नहीं है हम जी, मोदी जी के साथ। और जो अभी किस नेता का नाम ले रहे थे उसका नाम मत लें तो अच्छा है। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा 108 दिनों से आप ही डटे हुए हैं? मेरा नाम खुशीराम फौजी है जी, और इसी संघर्ष में लगे हुए हैं, जो कि हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं। मोदी जी का तो नंबर ही बाद में आएगा, उसके नीचे वाले ही मोदी जी तक नहीं पहुंचने देते। नीचे वाले जो जनरल कर्नल फौज से रिटायर हुए, हो सके टैक्स आ जाए हमारे ऊपर, तो वो मोदी जी की उसमें गोदी मीडिया में घुस गए, या फिर राज्यपाल बनने की उम्मीद में घुस गए। तो ये सारे ने घेर तो रखा है, उन्होंने मोदी तक पहुंचा कौन रहा है? अभी हमने ज्ञापन दिया है, परसों की है, जेवर क्षेत्र से डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर का सांसद है, जबकि तीन मंत्रालय थे। मोदी जी ने तीनों मंत्रालय हटा करके आज खाली सांसद हैं, केवल इसी कारण से, क्योंकि हमने ज्ञापन दिया तो मन की बात में तो घुस गए अंदर, और फौजी बाहर खड़े रहे। तो मोदी तक, मोदी ने कहा है कि फौजियों की सुनो कि क्या विसंगतियाँ हैं। विसंगतियाँ तो बहुत कुछ हैं, अभी मेरा हाथ कट गया, और जबकि सबसे आगे जवान रहते हैं, उससे पीछे JCO रहता है, जूनियर कमीशन अफसर, उसके बाद में अफसर रहता है। उसको ही अगर डेथ हो गई 62-65 साल सर्विस करने के बाद में, उसका पोता भी सर्विस में मेजर साहब बन गया, अगर जवान मर गया तो उसकी विधवा को तो 30% सर्विस यानी कि पेंशन कर दिया गया, क्योंकि उसका यानी कि उसकी जवाबदारी कम हो गई। और अफसर वाली की का 65 साल में उसका पोता भी फौज का पैसा यानी तनख्वाह ले रहा है, उसकी ज़्यादा हो गई, उसको तो 1.5 लाख पेंशन हो गई, और मेरे वाली को 13,000 हो गई जवान JCO का। इतना मतभेद क्यों? इस संघर्ष को हम जब तक नहीं होगा तो वही नारा है, मोदी जी को भी है और जंतर मंतर पे भी है, हमारी मांगे पूरी नहीं तो 2024 दूर नहीं। कब से ये मांग कर रहे हैं आप लोग? हम 20 फरवरी से इस धरने पे, और नवंबर से 2022 से कार्रवाई शुरू है, जो कि पहला वन रैंक वन पेंशन दादरी में पंचायत होने के बाद में, सब कुछ पास होने के बाद में, चलो वन रैंक वन पेंशन। अभी जो इनके मंत्री नीचे बैठे हुए PA है समझो, या कैसी भी देसी भाषा में समझ लो, पर ये कह देते हैं अंग्रेजों के नियम चल रहे हैं। अरे अंग्रेजों पे तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाके बन गया, नियम कहाँ के रह गए? केवल प्लेटफार्म और रोडों के नाम बदलने के लिए सरकार बहुमत में। मैं तो यही कहूँगा, हालांकि ये ना है कि मेरे लिए सरकार BJP भी हुई, सरकारों से कोई नहीं, परंतु नेतागिरी भी चमकाने के लिए अपनी कार्यकर्ता, ये नहीं है कि सभी हमारे फौजियों में भी, परंतु पहले सबसे पहले मेरी जाति फौज है, फौज के लिए मरेंगे भी जिएंगे भी, पर कार्रवाई पूरी जब तक नहीं होगी धरना बराबर चलता रहेगा, ये हमारा संपूर्ण कसम खाई हुई और इस बैनर के नीचे। दोस्तों देख रहे हैं किस प्रकार से ये लोग गुस्से में हैं, क्योंकि लगातार 108 दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार इनकी मांग को पूरी नहीं कर रही है। और चूंकि यह देश के लिए सेवा करते हैं, इनकी जो गुस्सा है और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है कहीं ना कहीं।